61 गायें हैं हमारी इस मौजूदगी में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 12 तारीख को, लगभग वक्त हो रहा है शाम के 6:45 बज रहे हैं, उस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। गायों की संख्या है 61, इसमें मैं जब देख रहा हूँ तो गायों की संख्या दिखाई गई 66, जिससे बताया गया 2 किसी को सुपुर्द कर दी गई, नाम पता कुछ नहीं मुझे मिला है। उसके बाद जब 61 रह गई हैं, यानी कि उसकी 66 के बाद भी 5 गायों की संख्या गोलमोल है। कहाँ है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। बबलू जी, आपको कुछ बताया गया कहाँ गई है गाय, किस तरह? नहीं, हमको नहीं बताया गया, हमसे कहा कि तुम दे दो, हमने दे दिया। आपने पूछा नहीं ये गाय कहाँ जा रही है? नहीं पूछा हमने कि आप होने वाले को उन्हें दे दिया, तो कहा तुम क्यों बोलते हो, तुम अपना काम करो, नहीं तो छुट्टी। क्या मानक है, कितने में कितना गाय खाती है? एक गाय को दाना 1.5 किलो मिलना चाहिए सुंदा सवेरे। दे रहे हैं आप? दे रहे, आपसे दिया पहले हमको 50 किलो 70 गाय खिलाने का आदेश था। यहाँ पे 11 को कोई रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है, उसके बाद 12 तारीख आज है, आज का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, आज भी नहीं चढ़ा है। किस टाइम तक ये रिकॉर्ड चढ़ता है? ये अगर आगे भूले चुके तो कुछ चढ़ गया चलाया, नहीं तो नहीं चढ़ेगा, ये रिकॉर्ड ही नहीं चढ़ेगा। 61 गाय है, बाकी की कहाँ है? सारी गोलमोल है। गोवंश की मृत्यु को हमने रजिस्टर में चेक कर लिया, लेकिन की बाकी की बची हुई गायें, 7 गायें हैं, वो अभी तक हमारी नजर में नहीं आ रही हैं कि वो गायें कहाँ गई हुई हैं। अब ये देखिए, इस तरह से उत्तर प्रदेश में, और स्पेशल अगर मैं बात करूं जनपद कन्नौज में, ये गौशालाओं की स्थिति है, गाय कहाँ चली जाती है, क्या होता है, सब गोलमोल। मेरा नाम है उज्जवल, आप देख रहे हैं द फैंटास्टिक की ग्राउंड रिपोर्ट जमीन से। इस वक्त हम खड़े हैं कन्नौज जिले के छेमकली मंदिर के निकट गौशाला में। इस गौशाला में हम जब अंदर आए तो देखिए आप किस तरह से गायें सारी हैं, व्यवस्थित ढंग से हैं, हमें चीजें ठीक दिखी। उसके बाद जब हमने यहाँ पे गिनती करी इनकी तो ये 61 निकली हैं। उसके बाद हमने चारे की यहाँ व्यवस्था देखी, व्यवस्था हमें ठीक दिखी, गीला चारा था, सूखा भूसा नहीं खिलाया जा रहा है, लगभग व्यवस्था सब ठीक दिखी थी। फिर जब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से सफाई की व्यवस्थाएं हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। लगभग शाम का वक्त हो रहा है और इस वक्त अभी जो यहाँ के गौशाला संभाल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बबलू जी हैं, ये इस गौशाला का चार्ज लिए हुए हैं फिलहाल। आप इस गौशाला को संभाल रहे हैं, नमस्कार। ये व्यवस्था अभी शाम का टाइम लगभग हो रहा है, अभी आप, मैं जब आया तो ये सफाई वगैरह में लगे हुए थे। और आप मुझे बताएं यहाँ पे भूसे की क्या हालत है, कितना है, दिखाएं चलते हैं मुझे। ये सर जो कुछ लगा यही है, जब खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद आएगा। ये लगभग यहाँ पे आप देखिए, ये इतना भूसा है यहाँ पर, ये लगभग 61 गायों के लिए ये भूसा आखिरी बार कब आया था, इस लॉकडाउन के पीरियड में भूसा मिलता रहा यहाँ पे? हाँ, लॉकडाउन में लोडर के लोडर आता रहे, मगर ये है पहली बार इकट्ठा नहीं कर पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते। मतलब चारे की कोई कमी तो नहीं हुई थी? नहीं, चारे की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं, दाना मिलता रहा था, दाना भी मिलता रहा लॉकडाउन भर में, दाना भी मिलता रहा। लगभग क्या मानक है, कितने में कितना गाय खाती है? एक गाय को दाना 1.5 किलो मिलना चाहिए सुंदर सवेरे जी। और दे रहे हैं आप? आप दे रहे, आपसे दिया पहले हमको 50 किलो 70 गाय खिलाने का आदेश था। 50 किलो? 50 किलो की बोरी 70 गाय को खिलाते थे, अब फिलहाल इस समय उमेश के बात हुई थी डॉक्टर बीपी सिंह के बीच में जी, फिर इनने 75 किलो का आदेश किया, 75 किलो खिलाने लगे। ये जो उमेश नाम ले रहे, उमेश यहाँ के नगर पालिका कर्मचारी है उमेश शर्मा, ये यहाँ पे इंचार्ज हैं, इसके इस गौशाला के इंचार्ज हैं। हमको अगर आवाज देते तो हटाने की भी धमकी देती है हमको ये, अगर जिस तरह से इनका कहना है कि अगर ये बताते हैं उनको, उनको बोलते हैं किस तरह से चारे की व्यवस्था, आप समझिए 70 गायों में 50 किलो चारा पहले दिया जाता था, इन्होंने बोला, उसके बाद से चीजें ठीक हुई है। पहले 50 किलो दाना मिलता था 70 गायों को खिलाने के लिए, उसके बाद इन्होंने आवाज उठाई तो इनको धमकी दी जाती है उमेश शर्मा की तरफ से कि इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कैसे, क्या उन्होंने क्या कुछ बोला हमें बताइए। काफी बार हमसे कहा कि तुम ज्यादा कलाकारी करते हो, तुम्हारी छुट्टी करा देंगे, इस सूचना हमने अध्यक्ष जी को भी बताया था। तो चेयरमैन से बात हुई थी? हाँ, चेयरमैन हमारे सही, वो ये बोले कि नहीं हटने देंगे, तुम सेवा करते हो, पशु सही है, मगर उमेश शर्मा अपनी कलाकारी करते हैं, अब भी कोई बात कर दो कि दाना नहीं है। चेयरमैन ने कुछ स्पष्ट जवाब दिया आपको, स्पष्ट बोला उन्होंने कुछ? हाँ, चेयरमैन ने कहा हमारे कि तुम नहीं हटोगे, तुम गौशाला ही चलाओगे। अच्छा, उन्होंने आपको आश्वस्त करके दिया है, आप चलाइए पूरा गौशाला, आपको किसी दबाव में नहीं आने को। इस गौशाला का मुझे रजिस्टर दिखाइए, कहाँ पे कितनी गायें कब तक क्या रही है, मैं पूरा रिकॉर्ड जरा मुझे चेक करना चाहूंगा मैं। जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गौशाले का रिकॉर्ड है, लगभग पिछले कुछ महीनों में तो यहाँ पे हमने देखा रिकॉर्ड चढ़ा हुआ था। उसके बाद ये मई का महीना है, ये देखिए आप जून का महीना, जून में 1 जून को यहाँ पे पकड़ी गई गायें, लगभग गौवंश का प्रकार 64, और ये मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे गौवंश की संख्या निकल करके आ रही थी 70।
उसके बाद 2 तारीख को 70 थी, एक गौवंश, ये टैग नंबर ये दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने दिखाया है 3 तारीख को 69 रह गई ये संख्या, यानी दिखाया है कि इस नंबर की गाय की मृत्यु हुई है। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं तो 5 तारीख को इसमें 69 ही रही है और 6 तारीख को फिर 68 गायें हो गई हैं, फिर दिखाया इसमें एक की मृत्यु हो गई है। 8 तारीख को फिर 66 गायें इसमें दिखाई गई हैं, 2 गोवंश सुपुर्द की गई हैं। इसका क्या सुपुर्द किसको इसमें कुछ नहीं, हमको आदेश दिया गया था कि आप गाय दे दो तो हमने दे दी, हमने मना किया था कि आप क्यों दे रहे हो, हम बड़ी मुश्किल से सेवा करते जब दूध वाली होती आप दे देते हो तो हमको धमकी भी मिलती, इसी मारे सर हम बोलते नहीं, चुप हो जाते। नहीं, आपकी आवाज हम उठाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे 66 थी, 66 रह गई है। आज जब मैं यहाँ पे आप देखिए 9 तारीख में यहाँ 66 चढ़ी हुई है, आज जब मैं ये रिकॉर्ड जिस टाइम ये वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त आज तारीख है 12, आज आप देखेंगे 10 को रिकॉर्ड कोई नहीं चढ़ा है, यहाँ पे 11 को कोई रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है, उसके बाद 12 तारीख आज है, आज का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, आज भी नहीं चढ़ा है। किस टाइम तक ये रिकॉर्ड चढ़ता है, ये अगर आगे भूले चुके तो कुछ चढ़ गया चलाया, नहीं तो नहीं चढ़ेगा, ये रिकॉर्ड ही नहीं चढ़ेगा, नहीं चलेगा, इतने इतने दिन लेट हो जाते हैं। हाँ, लेट हो जाते, पहले एसआई साहब के अंडर में था तो यहाँ ये हमारे अंडर में एसआई साहब ने किया था कि यहाँ जो सिवा जो पशु आया करेंगे तो आप वो चढ़ाते रहे ना, 5-6 महीना का हम सल्लक चढ़ाते रहे इसकी अब आप आपको नहीं बताई जाती इसमें रिकॉर्ड करना, नहीं आपने कभी किया है रजिस्टर पे रिकॉर्ड किया हमने, आप क्यों नहीं करते हैं? हमको एसआई साहब बढ़ियाते, एसआई साहब हमको करवाते, तुम्हें शर्मा हमको करवाते नहीं, ये आपको लिखने नहीं देते इस पे, नहीं लिखने। अच्छा, फिलहाल में जब मैंने देखा इसमें मुझे दिख रही है 66 गायें, आज की संख्या में अगर मैं यहाँ पे आपको गिनती करवा दूं तो मैंने गिना है यहाँ पे 61 गायें थी। हमारे सामने इस वक्त बबलू जी भी मौजूद हैं, कितनी गायें हैं यहाँ? 61 गायें हैं, 61 गायें हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे, यानी इनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। 61 गायें हैं हमारी इस मौजूदगी में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 12 तारीख को, लगभग वक्त हो रहा है 7:45 बज रहे हैं, उस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, गायों की संख्या है 61। इसमें मैं जब देख रहा हूं तो गायों की संख्या दिखाई गई 66, जिससे बताया गया 2 किसी को सुपुर्द कर दी गई, नाम पता कुछ नहीं मुझे मिला है। उसके बाद जब 61 रह गई हैं, यानी कि उसकी 66 के बाद भी 5 गायों की संख्या गोलमोल है, कहाँ है क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बबलू जी, आपको कुछ बताया गया कहाँ गई है गाय, किस तरह? नहीं, हमको नहीं बताया गया, हमसे कहा कि तुम दे दो, हमने दे दिया। आपने पूछा नहीं ये गाय कहाँ जा रही है? नहीं पूछा हमने कि आप होने वाले को उन्हें दे दिया, तो कहा तुम क्यों बोलते हो, तुम अपना काम करो, नहीं तो छुट्टी हुई जाएगी तुम्हारी। आप उनसे ऊपर के अधिकारी चेयरमैन को क्यों नहीं आपने फोन करा भैया? हमने ये छोटी छोटी बातें बताएंगे नहीं कि वो यही कहेंगे, छोटी छोटी बातें बताने लगते, इस वजह से हमने अध्यक्ष जी को बता नहीं पाया था। भाई ऊपरी कर्मचारी छोटी छोटी बातें ही तो बताने के लिए होते हैं, छोटी से बड़ी बातों से क्या मतलब, उनको तो सारी चीजों को अवगत कराना है आपको, आपके बारे से अधिकारी है वो, उनको चीजें बतानी है, नेता है, जनता प्रशासन की समस्याएं सुनेंगे, एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो प्रशासन की समस्याएं सुनना उनका काम है, शासन जो भी आप जनता बताएगी तो आपको ये बतानी है चीजें, तो आप बताएंगे आगे गलती होगी। उमेश शर्मा के बारे बता नहीं पाते, ये आपकी थोड़ी ये पर्सनल व्यक्तिगत, आप इसको मेरी तरफ से नहीं अपनी तरफ से मानी, ये गलती है आपको। उमेश शर्मा जो अगर नहीं एक काम कर रहा है, जिसको काम सौंपा गया, आप ऊपरी अधिकारी को बताएंगे। ठीक, हम बताएंगे सर जी। और अभी देखिए 61 गायें हैं यहाँ पे, बाकी की अगर मैं बात करूं उन 2 को भी मिला लूं तो 7 गायों का गोलमोल आंकड़ा है, मुझे ये आंकड़ा नहीं मिल रहा है कहाँ गई। मैंने उमेश शर्मा से भी बात करी, किसी फॉर्म का हवाला देकर के उन्होंने मुझे बताया, ठीक से बात भी नहीं करी उन्होंने। उसके बाद मैंने जब उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि आप बाद में मुझसे बात करिएगा, देखिएगा मैं फिर बताता हूं आपको। फिलहाल में देखिए 61 गायें हैं, बाकी की कहाँ हैं, सारी गोलमोल हैं, गोवंश की मृत्यु को हमने रजिस्टर में चेक कर लिया, लेकिन कि बाकी की बची हुई गायें, 7 गायें हैं, वो अभी तक हमारी नज़र में नहीं आ रही हैं कि वो गायें कहाँ गई हुई हैं। अब ये देखिए इस तरह से उत्तर प्रदेश में, और स्पेशल अगर मैं बात करूं जनपद कन्नौज में, ये गौशालाओं की स्थिति है, गायें कहाँ चली जाती हैं, क्या होता है, सब गोलमोल चीज़ें हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप किस तरह से तमाम काफ़ी सारी सरकारी योजनाओं का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन जब हकीकत हम ज़मीन से उतर करके देखते हैं तो चीज़ें तो हमें कुछ और ही नज़र आती हैं, और किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं ज़मीन से उतर करके चीज़ें, तो उनका देखिए कुछ अलग ही हालात हैं। उसके साथ ही ये देखिए गायों को चारा तो फिलहाल अभी शाम का टाइम हो गया तो खा लिया इन्होंने, किस टाइम तक ये सानी चारा हो जाता है आपका? ये मेरा चारा हो जाता है सुबह 4 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे फुर्सत हो जाते हैं सुबह, और शाम में? शाम को 1 बजे पानी पियाने से लग्गा लगाते हैं, भाई 5-6-7 बज जाता है, अब यह पानी पिलाकर 8-9 बजे फुर्सत होकर फिर गायों को कटवाएंगे। सैलरी वगैरह टाइम से मिल रही है आपको? हाँ, सैलरी टाइम से मिलती है, जब सब कर्मचारी को आती है और जब मेरी भी आती है। अच्छा,
कि एक महीने में लगभग कितने, अगले महीने की कितनी तारीख तक आ जाती है? अगले महीने की समय तो अभी हो गई काफी दिन, कल फिलहाल आ जाना चाहिए सैलरी। आज सबके वेतन पड़ गया। वैसे कितने, 12 से 13 दिन में आ जाती है? हाँ 10-11-12 तारीख लग फिलहाल सैलरी तो हर टाइम टाइम से टाइम मिलती, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। सब सही से मिल रही है? सब सही मिलती सैलरी, सैलरी के तो नहीं मिल रही? नहीं सही मिलती है, ना कोई कटा पिटी, सिर्फ पीएफ बताया जाता कटता है। और भी किसी तरह की समस्याएं? और कोई नहीं सर, कोई समस्या। और यहाँ से किसी तरह की कोई अधिकारी आपको किसी तरह से हड़काता हो, डराता हो, धमकाता हो, कुछ इस तरह की? नहीं कोई नहीं हड़काता है। हम ये सोचते जो योगी जी 30 रुपए महीना पशु देते, अगर ये पशु का बैलेंस मेरे आने लगे और हमें नगर पालिका द्वारा सुरक्षा मिले और डॉक्टर बीपी सिंह द्वारा सुरक्षा मिले, डीएम द्वारा सुरक्षा मिले, एडीएम द्वारा सुरक्षा मिले, हम सब पशु अकेले चला ले जाएंगे। अच्छा। और कोई बात की कमी नहीं मिलेगी, ना दाना की ना भूसा की, कोई चीज की कमी नहीं मिलेगी कभी भी। और जो सरकारी वेतन तनख्वाह आती वो आती रहे। अच्छा, मतलब अगर आपको वो पैसा आपको दे दिया जाए तो आप कुछ भी शासन प्रशासन सरकार से मांग नहीं करेंगे, उसी से इन सब का गुजर बसर करेंगे अपने हिसाब से? अपने कोई समस्याएं आएंगी तो आपको फिर उसमें झेलना पड़ेगा? समस्या ऐसा हो जाता है, समस्या आ जाती है, जैसे मालूम पड़े पशु कोई बीमार है तो डॉक्टर बीपी सिंह में पूरी सुरक्षा मिलेगी, इलाज तो उनका सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पालिका द्वारा हमको पानी मिलेगा और सफाई का सहयोग मिलेगा जी, ये मिलेगा। और कोई उन्हें भी जैसे पशु बाय चांस एक साल में मेरे 70 गाय थी, एक साल में 2 पशु मरे जी। और गौशाला में, अन्य गौशाला में 1000 जने कितना पशु मरा, मेरे गौशाला में एक साल में 2 पशु सर मरा। अच्छा। और बाकी सब पशु सही है, आपकी गौशाला में पशु गायब हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड? फिर वही बात, जब हमको आदेश दिया जाता है कि दे दो तो दे देंगे, हम तो नौकर आदमी, अगर ये चार्ज मेरे पास फुल हो हम किसी को नहीं दे। तो देखा आपने किस तरह से, मैं यहाँ के चेयरमैन को भी आगाह करना चाहूंगा कि आप देखिए किस तरह से जमीनी हालात पे उतर कर देखिए, किस तरह से आपके जमीन पर होने का एक जो टैगलाइन दी जाती है, लेकिन जब हम उतर करके आते हैं जमीन पे तो हमें तो कुछ नजरिए और ही देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बताया जा रहा है कि उमेश शर्मा जी का नाम लिया जा रहा है, इनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि चीजें ठीक से तरीके से करिए, रिपोर्ट समझ करके करिए, क्योंकि आप जिस तरह से गड़बड़ी नजर में आ रही है ये तो हमें सामने दिख रही है, कहां से किस तरह से चीजें गायब हो जा रही हैं, ये कोई रवैया नहीं है, किसी तरीके का तरीका नहीं है। 3-3, 4-4 दिन रजिस्टर पर रिकॉर्ड नहीं चल रहे हैं, तो ये तमाम काफी सारी चीजें अपने आप में सवालों के घेरे में है। मैं चेयरमैन को बताना चाहूंगा, इस तरह से उनको आगाह करना चाहूंगा कि चीजें देखे नजर में आए, उनको तुरंत वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करें, किस तरह डराया धमकाया जा रहा है एक कर्मचारी को, तो वो भी अपने नजरिए में अपने संज्ञान में लें। वो आपको आगाह अवगत भी करा चुका है उसका कहना है, तो आपको ये चीजें अपने संज्ञान में लेनी है, जमीन पर उतर करके देखिए। बाकी हमें यहाँ की सारी चीजें ठीक दिखी है, लेकिन जो समस्या आ रही है कि गाय गोल हो गई, गोलमोल हो गई, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कहाँ चली गई है, जिस तरह से सरकार इतनी गौवंश के ऊपर इतना सारा खर्च भी कर रही है और मतलब तमाम तरह की सुविधाएं गौवंश को मुहैया कराना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी जब ये चीजें दिखती हैं तो मन में कहीं ना कहीं आहत करती हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप में परेशानी का एक सबब बनती हैं।